अमेरिकन एयरलाइंस की न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में नशे में धुत एक यात्री ने अपने ही दोस्त पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंडिंग के तुरंत बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरी घटना AA-292 अमेरिकन एयरलाइंस के फ्लाइट की बताई जा रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने विवादित ट्वीट में लिखा है, अपने ट्वीट में उन्होंने एक तरह से मनीष सिसोदिया की तुलना आतंकी कसाब से की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए कई विपक्ष के नेताओं ने लेटर लिखा है, ऐसा ही एक लेटर कसाब को बचाने के लिए भी लिखा गया था। जब ऐसे लेटर आने लगे तो उसका मतलब अपराध पक्का है, अब बचाने की हड़बड़ाहट है। विपक्षी पार्टियों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं ने ED और CBI जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की निंदा की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को बदनाम करने वाले बीजेपी के बयानों का भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने खुद कहा है कि पिछले 60-70 सालों में कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने यह कहकर हर भारतीय और उनके दादा दादी का अपमान किया है कि भारत ने एक दशक खो दिया है, और यह सब उन्होंने विदेशी धरती पर ही कहा है। महाराष्ट्र में साइंस स्ट्रीम का 12वीं बोर्ड का पेपर लीक हो गया है। मुंबई के डॉक्टर एंथनी डिसिल्वा हाई स्कूल में एक विद्यार्थी के मोबाइल से गणित के पेपर का कुछ हिस्सा मिला है। शिवाजी पार्क पुलिस ने इस मामले में 3 विद्यार्थियों समेत एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है।